नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 934वें दिन क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही नए और फ्रेश वीडियो में कुछ टेक्स्ट, कुछ वर्ड्स और कुछ ट्रिक्स की बात होगी और पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात होगी, जिससे कि आप पढ़ना बहुत आसान तरह सीख जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम ओमनीसेंट है। इस वीडियो में 10 लेटर वाले वर्ड जो कि एल शुरू हो रहे हैं उसको भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले टेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों टेक्स्ट जो कि एनसीईआरटी की बुक से लिया गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट और तरह तरह के वर्ड्स आपको मिल जाते हैं, जो कि आप यूज़ भी करते हैं, नहीं भी करते, लेकिन जो आम जिंदगी है आपके आसपास जो हो रहा है, इसमें वो सारे वर्ड्स हैं जो कि आप पढ़ते होंगे या आप देखते होंगे, तो पढ़ना इजी हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात होगी। पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या होता है इस पे थोड़ा सा मैं करूँगा, फिर एक स्लाइड आप जो लिस्ट है जो आप देखेंगे कि कौन कौन सा जो है बार बार आता है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप पढ़ लेंगे। लेकिन सबसे पहले उसको क्या करना यही होगा कि पहले आप उसका उच्चारण करना सीखें कि आखिर वो जो लिखा हुआ है उसको बोलते कैसे। तो कोई भी टेक्स्ट को लीजिएगा, टेक्स्ट पे उसका पहचान बनाइएगा कि भाई ऐसे पढ़ना है। जी हाँ, जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि ए बी एवल है, तो ये इसको ए बी एल ई को एवल बोलेंगे, डी आई एस को डिस बोलेंगे, ई एन को एन बोलेंगे, पी लगा पेन हो गया, आई एन को इन बोलेंगे। ये सभी के सही पार्ट्स है, सही पार्ट्स मिलकर बना। या देखिए ए वाई को ए बोलते हैं, डब्ल्यू लगा तो वे हो गया, आई एन जी को इंग बोलते हैं, डी लगा डिंग हो गया, यहाँ आई एन जी को इंग बोलते हैं, आर लगा रिंग हो गया। तो ये भी पार्ट है, ई एन टी को एंट बोलते हैं, एम लगा तो मेंट हो गया, एक पार्ट हो गया, आर ई री हो गया, ओ यू एस को अस बोलते हैं, ये भी एक पार्ट हो गया, टी डी टेड भी पार्ट हो गया, आर ई एन टी रेंट भी एक पार्ट हो गया, है ना। तो ये हो गया, एक के बाद ये है, तो एक का उच्चारण एक रूप में फिक्स हो जाता है, ये भी एक पार्ट ही है। या बी ई आर ई आर को अर बोलते हैं, बी लगा बर हो गया, एक पार्ट हो गया। तो ये सब चीज़ जो है आपको समझना होगा। ई एन टी एम मेंट्स हो गया, यहाँ एक पार्ट हो जाता है, ई में एक पार्ट हो गया। तो आप यहाँ देखिए टी आर को चर बोलते हैं, ई डी लग गया तो चर हो गया, ये भी एक पार्ट है। तो ये सारे पार्ट है। या टी ए आई एन को एन बोलते हैं, टी के साथ लगा तो टेन टेन हो गया, तो एक पार्ट है। ये सारे पार्ट ही याद करेंगे तो आपको पढ़ना आ जाएगा। तो चलिए सब पे बात करते हैं और कैसे पढ़ा वो तो देखेंगे ही। तो पहले इस कोई भी टेक्स्ट है उस पर आप पहले आप जो पार्ट्स ऑफ वर्ड के जो जो लिस्ट में है वो पार्ट्स को खोजिए, उसका उच्चारण कीजिए, बाद में धीरे धीरे उच्चारण भी आपको आ जाएगा। जैसे देखिए एन को एन बोलते हैं, सी लगा कैन हो गया, सी की जगह एम रहता तो मैन हो जाता, आर रहता तो रैन हो जाता, बहुत वर्ड बन जाते हैं। या टी रहता तो टैन हो जाता, पी रहता तो पैन हो जाता, है ना। पैन बोलते हैं ना, पैन कार्ड, रैन, रन, रैन, रैन, है ना। तो ये सब वर्ड है। यू लिस्ट अ नंबर, यू को यहाँ पर आ बोला गया, एन यू एम नम, अब ई आर के पहले बी लगा था बर, नंबर, नंबर ऑफ आइटम्स, आइटम्स यूज्ड, यूज्ड ई डी को एड बोलते हैं, यूज्ड इन योर हाउसेस, मेड, एक के बाद ये है, मेड ऑफ मेटल्स, वेयर, देखिए वेयर डू दीज मेटल्स, मेटल्स ए एल को अल बोलते हैं, एस लगा तो अल्स हो गया, टी लगा टल्स हो गया, मेटल्स कम फ्रॉम, यू हैव स्टडीड, यू हैव स्टडीड दैट द अर्थ, अर्थ क्रस्ट इज मेड, एक के बाद ये है, मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, ए एल को अल, मिनरल्स embedded, embedded in the rocks, various, वो यू एसक्वास बोलते various metal, एल क्वाल बोलते metal आर, ई एक्स को एक्स बोलते extracted from these minerals after proper refinement, minerals are an indispensable पार्ट, ए आर टी क्वार्ट बोलते हैं, ऑफ आवर लिप्स, ऑलमोस्ट एवरी थिंग वी यूज फ्रॉम अ टीनी पिन टू अ टावर, यहाँ ओ को आ बोला गया, तो टावर इंग हो गया आर के साथ, टावरिंग बिल्डिंग और अ बिग शिप, ऑल आर मेड, एक के बाद ये है, मेड फ्रॉम मिनरल्स, मी देखिए आर है, अल है, एक साथ आ गया है, तो मिनरल्स, द रेलवे लाइन एंड द टर्मैक, पेविंग ऑफ द रोड, आवर इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी टू आर मेड फ्रॉम मिनरल, ई आर है, एल है, एस लग गया, तो मिनरल्स, कार,
बस एस ए एन को एन बोलते हैं, टी आर लगा ट्रेन हो गया, एरो ए ए एरो प्लेन्स, एक के बाद ही है प्लेन्स आर मैन्यूफैक्चर्ड, मैन्यूफैक्चर्ड फ्रॉम मिनरल्स मिनरल्स एंड रन ऑन पावर रिसोर्सेस डिराइव्ड फ्रॉम द अर्थ, है ना, अर्थ इवन ई एन को एन बोलते हैं, वी लगा वेन हो गया, द फूड दैट वी ईट कन, सी यू एन को कन बोलते हैं, कन टी ए आई एन को एन, तो टी के लगा टेन हो गया, तो कंटेंट्स मिनरल्स। तो दोस्तों इस तरह से आप पढ़ सकते हैं कोई भी टेक्स्ट को, लेकिन इस टेक्स्ट को पढ़ने से पहले आप पार्ट्स ऑफ वर्ड की लिस्ट है उसको याद जरूर करें, और उसके बाद पहले पार्ट्स ऑफ वर्ड का उच्चारण करना सीखें, उसके बाद से जो है पढ़ना सीखें, जहां अटकेंगे वो वॉवल्स के थ्रू उसको तोड़ कर पढ़ेंगे। तो वॉवल्स का भी एक स्लाइड होगा, लेकिन सबसे पहले दोस्तों 10 लेटर वाले वर्ड्स जो कि देश दुनिया की है, और ये बहुत सारे जैसे कि फ्रेंच है, एस्टोनिश है, एस्टोनिया की भाषा, या कह सकते हैं चाइनीज़ हो सकता है, आपको स्पेनिश मिल सकता है, बहुत सारे वर्ड्स मिल सकते हैं, तरह तरह के वर्ड मिल सकते हैं, और उसका अंग्रेजी जो किया हुआ उसका उच्चारण करना सीखना हुआ। ये इसलिए लिया गया ताकि आपका जो जवान टंग है वो तरह तरह के टेढ़े टेढ़े वर्ड्स बोलकर क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए लॉरेस्टाइन, देखिए लॉ आर यू एस को रस बोलेंगे और टी आई एन ई को टैन बोलते हैं, लॉरेस्टाइन लॉरेस्टाइन। नेक्स्ट देखिए लॉर वी काइट, है ना, के आई टी काइट बोलते हैं ना, लवालियरस। नेक्स्ट है लवालियर लियर लवैशन सन, और इसके साथ अल जुड़ गया है, लवैशनल लवैशनल लवै, एक अ वाला उच्चारण हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर ए उच्चारण हो गया लवैशनल। नेक्स्ट है लवाटोरियल, आई एल को ई एल बोलते हैं, आर लगा रियल हो गया, लवाटोरीज। उसके बाद देखिए ले एक बार दी ले वेंडर लेवेंडर्ड लेवेंडर लेवेंडर के साथ ई लगे लेवेंडर्ड हो गया, लेवेंचर्स लावेंचर्स लेवेंचर्स लेवेंचर्स। नेक्स्ट है लेवर लेवर ब्रेड। नेक्स्ट है लेवर रॉक्ड लेवर रॉक्ड। उसके बाद यहाँ देखिए ले ला वेनिज्म, ऐसे हमको इज्म बोलते हैं, ला वेनिज्म ला वेनिस्ट ला वीसियस, ओ यू एस क्वास बोलते हैं ला वीसियस लाविस लाविस मेंट, ई एन टी कैंट बोलते हैं, लगा मेंट हो गया, लाविस नेस ई डबल एस एन के साथ लगा नेस, अगर एल के साथ रहता तो लेस, है ना, अगर आप सी के साथ देखते तो सेस हो जाता, कहीं भी मिल जाएंगे आपको। ला वोल्टैंग। नेक्स्ट है ला वुकालिव लॉ ब्रेकर, ये आर कौन बोलते हैं, लॉ ब्रेकर लॉ फुलनेस लॉ गिविंग गिविंग्स लॉ गिविंग्स लॉ मेकिंग्स। नेक्स्ट देखिए लॉ मोंगर्स लॉन मूवर्स लॉरेंसियन लॉरेंसियन लॉरेंसियम लॉरेंटीएन। नेक्स्ट है लॉसनाइज्ड लॉसनाइज्ड। नेक्स्ट है लॉसनाइजेज लॉसनाइजेज लॉ लॉ एल एड लॉसनाइजेज लॉसनाइजेज। नेक्स्ट है लॉयरिंग्स। नेक्स्ट है लॉयर लाइक। उसके ले बैकिंग ले बैकिंग आई एन जी किंग बोलते हैं ले हो गया बैक और इंग ले बैकिंग ले पर्सन्स लेजरेट्स लाजेरट्स। नेक्स्ट है लाज लाजारूजिंग लैजीनेसेस
लीडेननेस है ना, लीडेननेस, लीडरनेस, लीडरेट, लीड, लीडरेट, लीडर में एट लग गया था, लीडरेट हो गया, लीडरलेस, लीडरेट, लीडरलेस। उसके बाद देखिए लीडरशिप और है लीड प्लांट्स। दोस्तों वॉवेल्स पे भी आते हैं, वॉवेल्स के बिना आप कोई वर्ड्स नहीं पढ़ पाएंगे। मान लीजिए कि देखिए कोई भी वर्ड मीनिंग जो है कैसे बनता है, कॉन्सोनेंट, जी हाँ कॉन्सोनेंट, उसके बाद वॉवेल आता है, फिर कॉन्सोनेंट आता है, शॉर्ट में लिख लेते हैं, फिर वॉवेल आता है, फिर कॉन्सोनेंट आता है, फिर वॉवेल आता है, यही पैटर्न चलता है। कभी कभी क्या होता है कि वॉवेल से शुरू होता है, फिर कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, ऐसे करके आता है, लेकिन आता तो है तभी तो वर्ड बन। जैसे मान लीजिए लिखते हैं, मान लीजिए कि चलिए एलिफेंट लिखते हैं, एलिफेंट। अब देखिए पढ़ने आता है वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, एलिफेंट आता है। आप लिखते हैं कंडीशंस, ठीक है कंडीशंस, ये वर्ड है। अब देख रहे हैं यहाँ सी जो है कॉन्सोनेंट है, ओ है वॉवेल, एन कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है, आई वॉवेल है, टी कॉन्सोनेंट है, आई वॉवेल, ओ वॉवेल, एन कॉन्सोनेंट, एस कॉन्सोनेंट। तो ये जो वर्ड है आप कॉन्सोनेंट के बारे में आप अच्छी तरह से उच्चारण जानते हैं, दिक्कत नहीं होती, लेकिन वॉवेल का उच्चारण डिफरेंट डिफरेंट होता है ना, इसकी वजह से जो है उच्चारण हो जाता है गलत। तो उच्चारण क्योंकि तरीका अलग अलग है। आप जैसे देखिए यहाँ पर पी ओ एल आई सी ई में यहाँ ओ का उच्चारण क्या हुआ है, ओ का उच्चारण यहाँ ऊ हुआ है, ऊ, यहाँ पर ओ का उच्चारण क्या हुआ, आ हुआ है, यहाँ पर ओ का उच्चारण क्या हुआ, आ हुआ है। तो दिक्कत तो है, अब सब जगह तो एक जैसा नहीं है। आप यहाँ ही देखिए पी ओ डब्ल्यू ई आर, ओ का उच्चारण यहाँ क्या हुआ, आ हुआ है। तो कहीं अ, कहीं ऊ, कहीं आ, ये हर एक वर्ड में एक जैसा तो नहीं होता, लेकिन तो इसी वजह से आपको वॉवेल्स का सहयोग लेना होगा। वॉवेल पे अगर आपका पकड़ होता है तो आप कोई भी वर्ड को पढ़ पाते हैं आसान से, और लोग करते भी हैं, पकड़ बना लेते भी हैं, तभी तो इतना इंग्लिश लोग पढ़ रहे हैं। एक बार देख कर पढ़ देते हैं, इनको पता है कि पुलिस लिखा हुआ है, पता है कि पावर लिखा हुआ है, कंडीशन लिखा हुआ है, एलिफेंट लिखा हुआ, तो कैसे पता है, देखते देखते आदत हो जाता है और लोग समझने लगते हैं। तो इसके लिए पहले आपका दिमाग, चूँकि हमारा दिमाग बहुत ही तेज होता है, और जाहिर सी बात है तेज होने की वजह से हर एक चीज़ जो है आपके दिमाग में इस तरह से कंक्लूज्ड हो जाता है, मतलब कह सकते हैं कि तैयार है कोई चीज़ के लिए, हैबिट के वजह से, आदत के वजह से, प्रैक्टिस के वजह से, कि आप उसका काम जो है मिनटों काम सेकंड में करते हैं या देख कर करते हैं, उससे भी कम समय में। नहीं तो शुरुआती जिनको कुछ नहीं आता उनको दे दीजिए तो सी ओ एन डी आई टी आई एन एस में फंसे रह जाएंगे, लेकिन जिनको पता है, जो अभ्यस्त है, वो एक बार में कंडीशन पढ़ देंगे या कोई भी वर्ड पढ़ देंगे। तो वॉवेल का खेल, वॉवेल का उच्चारण कैसे होता है, तो बेसिक चीज़ जानना जरूरी होता है। ये मैं बताने वाला हूँ कि वॉवेल को कितने तरह से पढ़ा जा सकता है और क्यों, और क्यों जरूरी है ये वॉवेल का उच्चारण सीखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट में एक वॉवेल्स पे ही एक प्रैक्टिस सेट होगा, तो उसको जरूर देखें। अगर वो ऐसा प्रैक्टिस करते हैं तो दोस्तों पढ़ना बहुत जल्दी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि ए है, एफ फॉर एप्पल होता है, ए फॉर बहुत कुछ एन हो सकता है, एफ फॉर एम्बल या बहुत बर्ड, और इसके ये तो शुरुआती है। मान लीजिए कि ए बीच में आ जाए तब क्या करेंगे, है ना, बीच में, यहाँ देखिए बीच में है, बीच में है या लगभग बीच ही में है, तब क्या उच्चारण करेंगे। सभी जगह क्या ए बोलेंगे तो काम चलेगा, नहीं, सभी जगह ए बोलने से काम नहीं चलेगा, अलग अलग बोलेंगे, अलग अलग, चूँकि बोला जाता है, अंग्रेजों ने अलग अलग इसका नाम दिया है तो अलग अलग उच्चारण करेंगे। तो यहाँ मेडल पढ़ते हैं, ए को आ पढ़ रहे, मेडल, यहाँ पर मास में ए को आ पढ़ रहे हैं, यहाँ मेड में ए को ए पढ़ रहे हैं, यहाँ मैन में ए को ए पढ़ रहे हैं, मैन। उसके बाद देखिए ई, ई को क्या क्या पढ़ते हैं, तो देखिए अ आ ई ई और ए, जैसे वाटर में ई का उच्चारण क्या हो रहा है, अ हो रहा है, पेन में ई का उच्चारण ए हो रहा है, पीस में ई का उच्चारण बड़ी छोटी, और सी के बाद जो ई है उसका ई का उच्चारण अ हो रहा है, पीस। उसके बाद आई को क्या क्या पढ़ते हैं, आई को अ आ ई ई
और आई पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पी एन पिन में आई का उच्चारण ई हो रहा है, टी आई टायर में आई का उच्चारण आई, और सी आई आर सी एल ई सर्कल में आई का उच्चारण अ हो रहा है, सर्कल। ओ के बारे में देखिए ओ को क्या बोलते हैं, तो ओ को अ आ उ ओ। जैसे एस ओ एम ई सम में ओ को क्या पढ़ा गया है, अ पढ़ा गया। ए बी ओ यू टी अबाउट में ओ को क्या पढ़ा गया, आ पढ़ा गया, अबाउट। पी आर ओ बी ई प्रोब में ओ को क्या पढ़ा गया, ओ पढ़ा गया। और टी ओ एन ई टोन में ओ को क्या पढ़ा गया, ओ पढ़ा गया, टोन। उसके बाद यू को क्या क्या पढ़ा गया है, तो अ आ उ और यू। जैसे बी यू टी बट में यू को आ पढ़ा गया, पी यू टी पुट में यू को उ पढ़ा गया, टी यूनी ट्यून में यू को ई यू पढ़ा गया, ट्यून। उसके बाद डबल ओ को क्या क्या पढ़ा जाता है, डबल ओ को अ आ उ और ओ पढ़ते हैं, और वो भी खास कर यहाँ तीन उच्चारण बहुत ही फेमस हो जाता है। एस डबल ओ एन में डबल ओ का उच्चारण उ होता है, एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ हो रहा है, और एफ एल डब्ल्यू आर फ्लर में डबल ओ का उच्चारण, फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ हो रहा है। अब देखिए डबल ओ को ओ भी तो उच्चारण हो रहा है ना, तो सीखना होगा, समझना होगा कि कौन कौन सा उच्चारण है। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि टी आयन में ओ को क्या पढ़ा गया है, टी आयन को क्या पढ़ते हैं, सन पढ़ते हैं। ई एन को क्या पढ़ते हैं, एन पढ़ते हैं। ये पार्ट है, ये किसी वर्ड में जुड़कर एक अलग उच्चारण में आ जाएगा। जैसे यहाँ एन ए के साथ अगर ये टी आई एन लगा रहता है तो क्या हो जाता है, सन, ठीक है। या आप यहाँ पर सी ओ एन डी आई कन डी के साथ यहाँ सन जुड़ जाता है तो यहाँ अलग उच्चारण हो गया। यहाँ सन यहाँ राष्ट्र हो जाता है, यहाँ दशा हो जाता है, अंतर है सन ही जुड़ने से। यहाँ देखिए एम ई एन को मेन बोलते हैं, वी ई एन को भेन बोलते हैं, एस ई एन को सेन बोलते हैं, है ना। तो वर्ड अलग अलग है, ये भी पार्ट के रूप में आप देखेंगे वर्ड मीनिंग में। दूसरा देखिए सी एल, मान लीजिए इसेंशियल वर्ड लिखते हैं, इसेंशियल। तो देखिए टी एल को सी एल बोलते हैं, ई एन को एन बोलते हैं, एस लगा सेन, तो एस एस ई एन के पहले एस लग गया तो सेन है ना, सेन। और टी एल को टी एल बोलते हैं, टी एल नहीं सी एल बोले, क्यों, टी आई को स बोलते हैं, याद रखिए टी आई को स बोलते हैं, टी आई को स बोलते हैं। सी एल, सी एल को क्या बोलेंगे, कन, कान, कून या कोन। दोस्तों कन को कन ही बोलेंगे, याद रखिएगा जब भी कहीं मिल जाए। जैसे कंडीशन में सी एन को कन बोला गया है ना, कन, डी है सन भी है, तो कन भी पार्ट है, सन भी पार्ट है। उसके बाद चर, तो जैसे चर में आप क्या ले लेते हैं, नेचर, टी आर को चर बोलते हैं। कंप्यूटर ले लेते, कंप्यूटर, अब बोलिए ई आर कर बोलते हैं, सी एन को कम बोलते हैं, टी लगा टर हो गया, सिर्फ पी यू तो पढ़ना था। उसके बाद देखिए चुअल है, तो क्या हुआ, फैक्चुअल, चुअल हो गया। आर में यहाँ देखिए आर हो गया, कंप्यूटर हो गया, या आप एक और वर्ड ले लेते हैं पी ओ डब्ल्यू ई आर, ई आर के पहले डब्ल्यू लगा तो क्या हुआ, वर हो गया। पी ओ को पा बोला गया, पावो, यहाँ पर टर है, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। प्रो में क्या है, जैसे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। टेंट में क्या है, इम्पॉर्टेंट, टेंट है, इम है, पो है, टेंट, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए सन, इसको एस आई एन को सन बोलते हैं, जन बोल। जैसे अगर ले लेते हैं प्रोविजन, एस आई एन को क्या बोलते हैं, जन बोलते हैं। अगर कमीशन वर्ड ले लेते हैं, कमीशन, सी ओ डबल एम आई डबल एस आई ओ एन, यहाँ एस आई ओ एन को सन पढ़ा जाता है, सी ओ एन को कम, कमीशन। या आप नेशनल देखिए, नेशन तो आपने देखा ही, इसमें ए एल जोड़ देते हैं तो सन भी है, अल भी है, सन भी है और अल भी है, नेशनल, नेशनल। लॉजी, जैसे टेक्नोलॉजी, लॉजी हो गया, बायोलॉजी, एंटोमोनोलॉजी, वैसा साइंस वाले वर्ड मीनिंग जो होता है, अध्ययन से रिलेटेड कोई जो अध्ययन से रिलेटेड कोई जो नाम है उसमें लॉजी लगता है, आप हमेशा देखेंगे। ई एल है ना, जैसे बहुत सारा
आप छोटा सा मैं ले लेता हूँ, फेसियल टिव, जैसे सेंसिटिव, सेंसिटिव टिव आ गया, ई एन आ गया, इस लगा सेन हो गया, या कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेन एस आई वी ई को सिव बोलते हैं, सिव हो गया, कम हो गया, प्री हो गया, हैन हो गया, तो कॉम्प्रिहेंसिव। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है ईज, जैसे सिटीज या ड्यूटीज, टीज का टीज हो गया, इम्पोर्टेंस, है ना, इम्प हो गया, पॉर हो गया, टेंस, इम्पोर्टेंस। यहाँ पर देखिए सी, जैसे आई एन आई टी आई ए और टी ई डी, तो इनिशिएटेड, इनिशिएटेड क्या हुआ, टी आई को सी ए बोल रहा है, सिएटेड। या एंस को लेते हैं तो प्रेजेंस ले लेते हैं ना, पी आर ई एस ई एन सी ई, एंस के पहले एस लगा तो सेंस हो गया, तो प्रेजेंस। यहाँ देखिए टेड, जैसे इनिशिएट में, इनिशिएटेड में टेड आ गया ना, इनिशिएटेड। या मेन देखिए, एम ए एन मेन, या रेन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, रेन मीन्स बारिश, आर ए एन रेन, या पेन लिखिए, पेन, या अगेन लिखिए, ए जी ए आई एन, अगेन, है ना, अगेन, जिसे लिंकेज करते हैं, लिंकेज, लिंकेज हो गया, पैकेज, या वेस्ट हो जाता है, या नेस्ट हो जाता है, या रेस्ट होता है, ये सब क्या है, वर्ड मीनिंग का कुछ पार्ट है। कुछ और पार्ट देख लेते हैं, आओ, ओ डब्ल्यू को आओ बोलते हैं, ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं, जैसे अगर एल ओ डब्ल्यू रहे तब ओ डब्ल्यू को ओ बोलेंगे, लो, या एन ओ डब्ल्यू रहे तब ओ डब्ल्यू को आ बोलेंगे, जैसे कि नाउ, या ए डबल एस यू आर ई, क्या बोलेंगे, एस्योर, एस्योर, ए वाई है तो ए वाई के पहले एस लगा दीजिए, सी हो जाएगा, एम लगा दीजिए, मे हो जाएगा, आर लगा दीजिए, रे हो जाएगा, जी लगा दीजिए, गे हो जाएगा, पी लगा दीजिए, पे हो जाएगा, डी लगा दीजिए, डे हो जाएगा। या ट्री है, जैसे सी ओ एन टी आर आई बी यू टी ई डी, तो देखिए कंट्रीब्यूटेड, टेड को याद रखिए, कन को याद रखिए। उसके बाद एट है, जैसे एम ए टी मैट, आर ए टी रैट, सी ए टी कैट। इकोनॉमी, ई से इको हो गया, इको से इकोनॉमी हो जाता है, इकोलॉजी हो जाता है ना, इको प्रीफिक्स पार्ट है, मेट है, जैसे सी ए टी ई केट, एम ए टी ई मेट, आर ए टी ई रेट। या कंसर्न देखिए, कंसर्न ई आर एन सी के पहले लगा तो सर्न हो गया, सी एन कन हो गया, कंसर्न, या टर्न, टी आर एन को टर्न बोलते हैं। उसके बाद प्री, प्री से क्या होगा, प्रीसेट, प्रीसेट, अगर प्री आर ई को प्रे पढ़ना है, प्रे भी पढ़ते हैं, प्री प्रे दोनों पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट, प्रेजेंट। जैसे टी डबल ओ को टुक बोलते हैं, एल डबल ओ को लुक बोलते हैं, अस, जैसे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, वो यूज़ अस बोलते हैं, जी कन बोलते हैं, कंटिन्यूअस। ओनली, एल वाई को ली बोलते हैं, कल्चर में सी ओ यू एल को कल और टी यू आर ई को चर बोलते हैं, चर हो गया कल्चर। जैसे को ऑपरेशन, सन बोलते हैं, को ऑपरेशन। आइट, जैसे आई जी एच टी, आइट के पहले लगते हैं नाइट, एफ लगेगा फाइट, टी लगेगा टाइट, आर लगेगा राइट, एम लगेगा माइट, कई वर्ड होता है, इंग को लेकर क्या क्या वर्ड होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक्शन वर्ड होता है उसमें आई एन जी जुड़ जाता है, जैसे गो के साथ आई एन जी जुड़ेगा तो गोइंग हो जाएगा, कमिंग, डांसिंग, रनिंग, है ना, बहुत सारे बींग वर्ड बनते हैं। या एक्ट को लेकर क्या होता है,
ए सी सी ई डबल एस, तो एक्सेस या पुलिस देखिए पी ओ एल आई सी ई, वे सी ई को सब बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए ए लेस, जैसे ई डबल एस है यहाँ लैंडलेस कर दीजिए, लैंडलेस तो ई डबल एस बोलते हैं लगा लेस लैंडलेस। एल एम है जैसे सी ए एल एम काम, यहाँ पर देखिए एल के वॉक, डब्ल्यू एल के वॉक है ना, या एल ओ डी जी ई लॉज। उसके बाद देखिए ऑंग, जैसे एस ओ एन जी सॉन्ग, और रॉन्ग करना है तो डब्ल्यू डब्ल्यू आर ओ एन जी रॉन्ग अमोंग है ना पोंग, या आप साइन लिखिए एस आई जी एन साइन, जी एन को क्या ना बोला गया। उसके बाद कुछ और ले ले जैसे हैं, जैसे टी एन टी टेंट, आर ई एन टी रेंट, एन ई एन टी नेंट ऑन से ऑन लाइन, इम इम से क्या होगा इम प्लॉयड, इम एक प्रीफिक्स पार्ट है। या देखिए ड्रोन कैमरा का अपना नाम सुना, ड्रोन कैसे लिखते हैं डी आर ओ एन ई बस, या प्रोन पी आर ओ एन ई प्रोन, या नोन या टोन टी ओ एन ई टोन, कैसे पार्ट अलग अलग बन जा रहे हैं। या एबल, जैसे एक वर्ड ले लेते हैं बाद में बहुत ही अच्छा लगे कम फेबल, अब देखिए ए बी एल ई को एबल बोलते हैं, टी लगा टेबल हो गया, फॉर फॉर सी कर कम कम्फर्टेबल, एम है यहाँ पर कम्फर्टेबल। ई है जैसे आप लिक लिखते हैं एल ई ए के लिक, टी ई ए टी बड़ी गार की मात्रा के रूप में इसको उच्चारण किया गया। उसके बाद देखिए डिस जोड़ दीजिए, इसी में कम्फर्टेबल में डिस जोड़ दीजिए डिस कम्फर्टेबल, एक पार्ट दो पार्ट तीन पार्ट चार पार्ट से एक वर्ड बन गया है। जन को लेकर जैसे रीजन, री भी एक पार्ट है जन भी एक पार्ट है रीजन। क्योर प्रोक्योरमेंट प्री क्योरमेंट है ना प्री क्योरमेंट, तो ये एंटी एंट है क्योर है और प्री भी है। जैसे यहाँ पर सेंसिबल लेते हैं सेंसिबल, अब देखिए ईबल जो है इसके साथ लगा सीबल हो गया, ई एन के पहले एस लगा सेन हो गया तो सेंसिबल। इम है तो आई एम को इम बोलते हैं, और बी ए एल ए एन सी ई को बैलेंस बोलते हैं, तो इम बैलेंस इम बैलेंस। एक्स को एक्स बोलते हैं या एक्स बोलते हैं, जैसे ई एक्स सी एच ए एन जी ई एक्सचेंज, या ई एक्स ए एम एग्जाम, हो गया ना वर्ड्स। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमारे वीडियो को आप डे वन से देखना चाहें तो कुछ नहीं करना, उन्नीस एंड इंग्लिश से या टाइप कीजिए या माइक पे बोलिए, गूगल पे हो या यूट्यूब में सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। दोस्तों वीडियो की संख्या है 1.1K, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप देखिए पढ़ना से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो दूर होगी, शुद्ध शुद्ध लिखना चाहते हो या फिर बोलना सीखना चाहते हो सब कुछ होगा किसी भी तरह से, ऐसा नहीं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर पर आप कोई भी वर्ड को कुछ भी सीख सकते हैं। तो देखिए एक कॉपी ज़रूर बनाइए, कॉपी बनाइए जिससे फ़ायदा यही होगा कि आप लिखेंगे लिखते समय आप जो रूल रेगुलेशन है वो याद हो जाएगा, दूसरा कि बोलने में भी आप हेजिटेशन दूर हो जाएगा, और कॉपी होगा जिससे कि रिवीजन आप कर पाएंगे रेगुलर। जो आपको अच्छा लगता है कॉपी पर राइट डाउन जरूर कीजिए, राइट पुटेड मतलब नोट जरूर कीजिए जिससे कि फ़ायदा हो, सब कुछ सीख लेंगे विथ हेजिटेशन को, और अंग्रेजी पढ़ना हम लोग सीखेंगे बहुत ही आसान तरह से। अब देखिए ये पार्ट देखिए ए से ई से ई से आई से ओ से यू से, ये भी इस पार्ट के बिना अंग्रेजी आप नहीं पढ़ पाएंगे गारंटी है। आपको क्या करना है कि सभी वॉवल्स को एक बार कॉपी पे लिख लीजिए और उसको से प्रैक्टिस कीजिए। कैसे प्रैक्टिस करना है तो मैं बता दूँ कि देखिए आपको करना है कि 200 ऐसे वर्ड मीनिंग कलेक्ट कीजिए जिसका उच्चारण आप पहले से जानते हो प्रोनंसिएशन, और उसका स्पेलिंग भी पहले जानता हो। 11 दिन के 11वें दिन आप जब 10 दिन के बाद प्रैक्टिस हो जाएगा, 10-20 वर्ड लेकर करना है रोज़, और ज़्यादा समय ज़्यादा अभी मेहनत नहीं लग करना है, एफर्ट भी नहीं लगाना है कि एक साथ पढ़ लिए कुछ आया नहीं। अब इसे कंपनी में एक को क्या पढ़ा गया आपको ऐसे ही चेक करना है, आपका जो भी वर्ड हो
जो भी वर्ड मीनिंग हो उसमें सारे वॉवल्स का उच्चारण एक साथ देखेंगे, यहाँ पर अलग अलग बता दे रहे हैं ताकि आपका यूज़ एक साथ कर पाए। कंपनी में एक उच्चारण अ हो रहा है, सॉल्ट में एक उच्चारण क्या किया गया है तो आ किया गया है, केयर में एक उच्चारण क्या किया गया है तो ए किया गया केयर, मैप में एक उच्चारण क्या किया गया ए किया गया मैप, परफेक्ट में दो ई है, पहला ई का उच्चारण जो अ के रूप में हुआ है अ, दूसरा इफेक्ट वाला ई जो है उसका उच्चारण ए के रूप में हुआ, प्रीफिक्स में जो ई है उसका उच्चारण छोटी के रूप में और बड़ी के रूप में, टेन में जो ई है यहाँ पर देख रहे हैं टेन में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में हो रहा है, तो ये देखिए ए के रूप में यहाँ उच्चारण हुआ। अब आई के वाला देखते हैं, एस आई एस आर में आई का उच्चारण न तो सिर पढ़ रहे हैं, न सार न सिर न शायर, क्या पढ़ते हैं सर, एस आई आर सर। एफ आई जी फिग में ई का उच्चारण छोटी के रूप में, टी आई एन टेन में ई का उच्चारण बड़ी के रूप में, एल आई एन ई लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है, एस एन सन में ओ को क्या पढ़ा गया अ पढ़ा गया है ना अ, आउट आउट में ओ को क्या पढ़ा गया आउट में ओ को आ पढ़ा गया आ पढ़ा गया आउट, प्रूव प्रूव में ओ का उच्चारण क्या हुआ ऊ के रूप में हुआ प्रूव, मोटो में दो ओ है, एक तो एम के साथ ओ है दूसरा टी के साथ ओ है, दोनों का उच्चारण ओ ही हुआ है मोटो, ब्यूटी बट में यू को क्या पढ़ा गया आ पढ़ा गया है, पुट में यू को क्या पढ़ा गया है तो ऊ पढ़ा गया है, ट्यून में यू को क्या पढ़ा गया ई यू पढ़ा गया, एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में हुआ है, एल डब्ल्यू के लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ। तो इस तरह से तो आप पढ़ना सीख सकते हैं बहुत आसान तरह से, और इसके इसके मतलब कहने का मतलब है इसके बेसिस पे आप कोई भी वर्ड को पढ़ लेंगे, जैसे हिंदी पढ़ते हैं और कोई वर्ड को लिख लेंगे, जैसे कि आप हिंदी में लिखते हैं कोई भी शब्द को उधर इंग्लिश में लिख पाएंगे। बताइए दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, वैसे लोग जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से। जी हाँ दोस्तों, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना बोला जिसका नाम ओमनीसेंट है, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक्स, मुझे मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।